हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद मंथली चार्ट। तो आप मंथली चार्ट पे देख सकते हो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी क्लोज हुआ है 70,194, लगभग 50 पॉइंट नीचे, फ्लैट नेगेटिव। और मंथली चार्ट पे हम देख रहे हैं नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी। हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 400 पॉइंट के गेन के साथ, 2.5% अप फॉर द मंथ। तो लास्ट टू मंथ के बाद हमने जो है तो नीचे के भी लेवल देखे और नीचे से अच्छी खासी रिकवरी भी देखी। तो यहाँ मार्केट जो है तो लॉन्गर टर्म चार्ट पे अर्ली रिवर्सल सिग्नल दिखा रहा है। अभी तक कंफर्म नहीं है, मगर यहाँ जो है तो अगली कैंडल अगर ग्रीन बनती है या फिर पॉजिटिव बनती है तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो है तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो यहाँ लॉन्गर टर्म चार्ट पे करेक्टिव पैटर्न दिख रहे हैं, मगर हम एक बाउंस बैक मोड में हैं जो कि कंटिन्यू हो सकता है। ऊपर जो है तो 17,600-650 के टारगेट जो है तो निफ्टी दिखा सकता है आने वाले समय में। तो मंथली चार्ट पे जो नीचे दिख रहा है हमें 15,900-15,500, ये मेजर सपोर्ट जोन है। अगर ये टूट जाते तो हम जो है तो डीपर करेक्शन देख सकते हैं निफ्टी में, जो 13,200-11,000 तक भी हो सकता है। तो करंटली उसकी पॉसिबिलिटी लगभग 5% या 10% पकड़ लीजिए, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ से ऊपर के ही लेवल आते हुए दिखते हैं मुझे, क्योंकि इंडिकेटर वाइज प्राइस वाइज अभी जो है तो ये अभी भी निफ्टी जो है तो बुलिश ही लग रहा है लॉन्गर टर्म चार्ट पे। और यहाँ जो है तो जिन्होंने 15,700 और 800 के अराउंड खरीदा होगा उन्हें जो है तो एक पकड़ के चलिए, आपने एक मीडियम टर्म बॉटम पे खरीदा है तो आप उसको एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कीजिए। आपको जो है तो ऊपर शायद फिर से 18,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये मैं निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस वीक जो है तो निफ्टी लगभग 130 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लगभग 0.75% डाउन। लास्ट टू वीक के बाद हमने थोड़ा सा जो है तो इस वीक मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेट होते देखा है, और हो सकता है कि कंसोलिडेशन जो है तो आने वाले हफ्तों में भी जारी रहेगा। ऊपर जो है तो 17,650 ये लेवल है, ये देखना है। ये वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर टूटता है तो हम एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म रिवर्सल देखेंगे। अगर ये नहीं टूटता है, यहाँ से हमें सेल ऑफ देखने को मिलता है तो पॉसिबिलिटी है कि हम फिर से जो प्रीवियस लो थे 15,700 का, तो वो लो फिर से निफ्टी फ्यूचर पे आते हुए देखेंगे मीडियम टर्म में। तो यहाँ 17,650 ये लेवल आपको क्लोजली वॉच करना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। अगर उसके ऊपर जाते हैं तो हम ऊपर ही जाते रहेंगे, फिर हमारा टारगेट रहेगा 18,500। अगर नहीं टूटता है तो हम पॉसिबली नेक्स्ट 2-3 महीने में फिर से 15,800-15,700 के लेवल जो है तो निफ्टी पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये करंटली निफ्टी वीकली चार्ट पे एक बाउंस बैक मोड में है। अभी यहाँ देखना है कि ये बाउंस बैक जो है तो रिवर्सल में कन्वर्ट होता है या फिर बाउंस बैक करने के बाद हम फिर से जो है तो डाउन ट्रेंड ट्रेजेक्ट्री जो है तो कंटिन्यू करते हैं। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो 17,150, उसके नीचे 16,500 और लास्ट में जो है तो 15,800, ये मेजर सपोर्ट जोन है। इन लेवल को आपको क्लोजली वॉच करना है। ये लेवल टूटते हैं तो उसके बाद में हमें जो है 15,150 टूटता है तो उसके बाद में हमें 16,500, वो टूटता है तो 15,800 ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके भी नीचे 15,200 और बाद में जो है तो 13,400, ये मल्टीपल लेवल्स है निफ्टी में एज पर वीकली चार्ट, मगर उन लेवल को अभी नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि हम एक साइडवेज या फिर थोड़ा सा अपसाइड जो है तो दिखा सकते हैं आने वाले हफ्तों में। तो अगले हफ्ते के लिए एज पर वीकली चार्ट मुझे लगता है कि आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए 17,650 का लेवल। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने 200 डेज का एवरेज तोड़ा, उसके बाद में अच्छा खासा सेल ऑफ गया, ओवरसोल्ड रीजन से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई। हम फिर से जो है तो 200 डेज के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ मार्केट जो है तो फिर से उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ साइडवेज टू अपसाइड ये रहेगा। अगर आपको सेफली बाय करना है तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए 17,600 से 17,750 के लेवल का एज पर डेली चार्ट, और आपके जो टारगेट रहेंगे वो ऊपर के रहेंगे 17,400-17,650। करंट लेवल पे मुझे लगता है कि निफ्टी जो है तो एक साइडवेज ट्रेंड में जा चुका है। आप देख सकते हो कि
लास्ट 6 कैंडल मतलब लगभग लास्ट 2 वीक से हम जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे के लेवल पे मल्टीपल एवरेजेस का सपोर्ट है, उन सपोर्ट को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ मोस्टली जो है तो निफ्टी पे अगर आपको डेली चार्ट पे व्यू रखना है तो आपको जो है तो सेल ऑन राइज व्यू रखना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 17,550-650 के ऊपर, और उसके नज़दीक ही आपको बेचना है अगर आपको रिस्क कम रखना है तो। और नीचे जो है तो मुझे लगता है कि 16,950 और 16,750 के जो है तो निफ्टी पे टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ मेरा एज पर डेली चार्ट अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आपको सेल ऑन राइज व्यू रखना है, मगर आपको सेल करना है 16,550-650 के राउंड। और अगर आपको बाय करना है तो आपको वेट करना होगा, आपको जो है तो अच्छी खासी बाइंग लेवल है 16,750 की, उसके अराउंड ही हम लॉन्ग करने के सोचेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी एक बार जो है तो 16,750 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ एक रेंज बाउंड ट्रेड है, मोस्टली कंसोलिडेशन रहेगा, तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है तो आपको प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा। यहाँ किसी भी साइड बड़ी मूव आने की संभावना बहुत कम लग रही है मुझे, तो हम एक रेंज में ट्रेड करेंगे ऊपर 17,750 से लेकर 650, नीचे जो है तो 16,750। तो ये लगभग 900 पॉइंट की रेंज है, इसमें हम ट्रेड करते रहेंगे इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ऊपर के लेवल पे आपको सेल करना है, नीचे के लेवल पे आपको बाय करना है। तो यहाँ मोस्टली नेक्स्ट वीक भी हम जो है तो साइडवेज ही रहेंगे। यहाँ अगर ऊपर के रेंज पे जाता है तो सेल ऑन राइज, नीचे के रेंज पे आता है तो हम बाय ऑन डिप्स व्यू रखेंगे। ऑप्शन ट्रेडर को भी वही करना है, और आपको फोकस करना है एट द मनी या फिर इन द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन पे। अगर ऊपर के लेवल पे जाता है निफ्टी तो हम 550 या फिर 600 का जो पुट ऑप्शन है उस पर फोकस करेंगे, और ये मैं मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। नीचे के लेवल पे जाता है तो हम 16,750 या फिर 16,800 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस करेंगे, ये भी मैं मंथली ऑप्शन की बात कर रहा हूँ अप्रैल सीरीज का। तो यहाँ आपको अच्छी बात ये है कि आपको जो है तो रेंज में रहेगा, तो आपको दोनों तरफ भी आपको ट्रेड करने को मिलेगा, और आपकी यहाँ रिस्क जो है तो सब्सटेंशियली कम हो जाती है, और रिवॉर्ड जो है तो बढ़ जाएगा। तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग या शॉर्ट जाना है। रेजिस्टेंस के पास जाता है तो शॉर्ट जाना है, सपोर्ट के पास आता है तो लॉन्ग जाना है। तो यहाँ मोस्टली आपको साइडवेज ही मूव देखने को मिलेंगे मार्केट में, और मार्केट जो है तो एक कंसोलिडेशन के बाद फिर जो है तो एक मेजर डायरेक्शन लेगा। मोस्टली मुझे लगता है कि हम जो है तो एक रेंज में ही टाइम बिताएंगे थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो आने वाले 1 से 2 महीने जो है तो आपको ऊपर नीचे जो मैंने रेंज बताई उसमें ही मार्केट जो है तो ट्रेड करते हुए दिखेगा। बड़ी रेंज जो है तो वो बड़ी रेंज है लगभग 15,900 से लेकर 17,800 तक, तो 15,800 से लेकर 17,800 तक ये बड़ी रेंज है, और छोटी रेंज जो है तो 16,750 और 17,550 की। तो ये दो रेंज आपको ध्यान में रखने हैं। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो विद लाइव सपोर्ट एंड फॉलोअप, तो आप मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.